ये है बंजर, आगे बंजर पड़ता है, बंजर से नीचे कोई तंदेल को रास्ता आता है। ये पूरी रोड बंद, ये पूरी रोड बंद है और जगह जगह पे लैंडस्लाइड हो रखा है यहाँ पे। ये दूसरा है, वो रहा सबसे पहला और बड़ा वाला, और इसके नीचे भी बहुत बड़ा है, ये दूसरा है। और मौसम आज भी बारिश का भयंकर। और ये दो एक साथ गए हुए हैं, ये भी पूरी रोड जाम है। पहले यहाँ से गाड़ी चली जाती थी, मेरी बाइक जाती थी, अब यहाँ से कुछ नहीं, सब बंद। और नीचे आप उस तरफ देख सकते हो, वो सामने पड़ती है सा, वो जगनी झाड़, और ये हमारे गांव का पुल है नीचे, ये रहा। और सामने भी देख सकते हो पहाड़ी पे कितना सारा लैंडस्लाइड हो रखा है। और ये आप देख रहे हैं गांव तंदेल से लोअर तंदेल पड़ता है, हमारी ग्राम पंचायत को भी इस बारे में थोड़ा ध्यान देना चाहिए, ताकि आने जाने वालों के लिए भी रास्ता खुल सके और उनकी समस्या का भी समाधान हो सके। और ये इसके आगे की रोड तो पूरी ख़तरनाक हो चुकी है, ख़त्म, चलने की भी जगह नहीं बची यहाँ पे। ये तो पूरी पहाड़ी उतर आई नीचे, और नीचे इसके आगे और मैं दिखाता हूँ आपको, मतलब पैर धंस रहे हैं ज़मीन में, आप ये देख सकते हैं नीचे। ये यहाँ से उतर गई नीचे पूरी खाई, और ये भी उतरेगी, ये हिस्सा देख रहे हो, ये भी उतरेगा, ये यहाँ से ये उतरेगा, और ठीक मेरे सर के ऊपर भी, मतलब हालत ख़राब है यहाँ की। और यहाँ से चल के आप नीचे देखो, ये पूरा नीचे आ गया है, ये पूरी की पूरी रोड बंद, चलने तक की जगह नहीं यहाँ पे, सब लक्कड़ पत्थर नीचे। ये है सैलाब के बाद की ग्राउंड रिपोर्ट जो आपको मिल रही है मेरे माध्यम से, आप देख लो। ये चील के पेड़ हैं, ये ऊपर है, वो वहाँ से उतर के नीचे पूरी पहाड़ी, आप ये देखो, ये यहाँ से पूरा ही नाला नीचे आ गया, ये देखो। ये ऊपर से नीचे का मलबा पूरे रास्ते में फैला हुआ है, मतलब ये पूरी सड़क थी पहले जो यहाँ से है, ये सड़क थी, यहाँ से गाड़ी आती जाती थी पहले, गाड़ी आती जाती थी, अब तो कोई भी मतलब साधन नहीं यहाँ पर आने का, अब नीचे से जाना पड़ता है हमको, जो पुल है पुल से होके हमें आना पड़ता है यहाँ पे। और एक यहाँ से है, ये भी बहुत बड़ी गिरी, इससे भी पूरी रोड जाम है, पूरा ही मतलब मलबा नीचे, पूरी सड़क टूट फूट, इंसान भी मतलब मुश्किल से आ जा रहे हैं यहाँ पे। और बरसात में एक काम ही होता है कि लकड़ी वगैरह अच्छी निकल आती है, गांव के आदमी तो भाई लकड़ी का बिना गुजारा होता नहीं यहाँ पे, आप देख सकते हो। ये मेरा भाई लगा हुआ है भाई साहब शाम के जुगाड़ में, शाबाश निकल गया। और ये भी उसी सड़क का है, मतलब एक ही सड़क में कम से कम 7-8 गए हुए हैं, ये ऊपर और ये नीचे। और ये है अभी तक का हमारे घर के पास में सबसे बड़ा, और इसकी चपेट में ना एक घर भी आ चुका है, वो देखो ऊपर, ये ऊपर से आके मलबा पूरा गया नीचे, और नीचे ये घर है, घर घराल पक्के मकान, इनके पुराना घर सब इसी की चपेट में है। कहने का मतलब कि थोड़ा सा बच गए हैं, लेकिन चपेट में ये भी आ चुके हैं, मलबा देखो उनके उधर तक जा चुका था, वो देखो उनके घर के पीछे,
अगर ये बांस वाला नहीं होता तो भाई साहब तबाही और भी हो सकती थी, क्योंकि इसकी वजह से भी रुका पड़ा है मलबा। आप ये देख सकते हो, अभी ये वाली हिस्सा जो है ना ये भी अलग है, अपनी जगह से छूटा हुआ एकदम से। अगर अभी भी बारिश हो गई ना एक बार ठीक ठाक, तो ये भी नीचे उतर आने की संभावना पूरी पूरी बनी हुई है। ये देखो, और वो नीचे देखो, वो सामने ना पूरी की पूरी पहाड़ी है नीचे उतरी हुई है। वो मतलब अपनी कितनी जगह छोड़ रखी है उन्होंने, और उसके ऊपर में ना घर है, मतलब उसी साइड में थोड़ा वो जो ये इस तरफ घर है। वो वहाँ से सीधी सड़क आती थी पहले, वो सीधी सड़क यहाँ से आके यहाँ जाती है, और इसके आगे जस्ट हमारे घर हैं। तो ये जो आप वीडियो अभी आप देख रहे हो ना दोस्तों, ये है गांव दंदेल ग्राम पंचायत दुबकियार आगे। तो यहाँ की तो कनेक्टिविटी एकदम से ख़त्म ही है, ऊपर ऊपर से नीचे का रास्ता है वो तो है ही, लेकिन जो हमारे घर को रास्ता जाता है वो पूरी तरह से अभी बंद है। अच्छा, तो ये हमारे घर, ये हमारे ताऊ का घर है, हमारी ताई, ये घर हैं। तो ऊपर घरों को भी ख़तरा है, एक बार तो यहाँ पे भी भाई हमारे यहाँ पे लैंडस्लाइड आ रखा था, वो वाला भी दिखाऊंगा मैं तुम लोगों को। ये वाला घर है मेरे ताऊ का, तो इनके घर पे भी एक बार मलबा पूरा आ ही चुका था, 2-3 साल पहले की बात है। ये देख सकते हो ऊपर भी पहाड़ियाँ हैं, अब पहाड़ियों से मलबा ना कभी भी दरक सकता है यहाँ पे। और एक और मेन चीज़ दिखाऊंगा भी आपको, ये हमारा घर है और ये हमारे ताऊजी का घर है, जो यहाँ पे कोई रहता नहीं है। और ये बड़ा सा पेड़ है, ये काटा नहीं जाता, जिसका भी बहुत बड़ा ख़तरा है हमारे पे, क्योंकि यहाँ पे जब कोई रहता नहीं है तो भाई उसकी भी देखभाल करनी चाहिए। ये देखो इसके घर की हालत की भी ऐसी हालत है कि मतलब ये कभी भी छूट के गिर जाएगा। और अभी बरसात में पानी यहाँ से निकल रहा है, यहाँ से देखो ये पूरा ख़त्म है, लगभग ख़त्म। यहाँ से देखो अगर ये गिरता है तो भाई हमारा घर भी इसके बगल में ही है, ये घर में गई हुई दरार है। अगर ये घर गिरता है तो भाई इनके घर के साथ में हमारे घर का जॉइंट है, मतलब हमारे घर के जॉइंट के साथ इनका घर भी जुड़ा हुआ है, तो ये दिक्कत वाली बात है बहुत ज़्यादा। देख सकते हैं यहाँ पे दरारें जा ही चुकी है लगभग। तो आप देखो अभी मैंने जो आपको वीडियो दिखाई है ना वो बहुत ही गौर करने वाली है, क्योंकि एक तरह से कनेक्टिविटी ख़त्म हो जाती है एक जगह से, और दूसरी बात की आती है ना गौर करने वाले कि अपने अपने से ही वो हो जाते हैं कि इस परवाह नहीं करते, सुनते नहीं हैं, देखने सुनने वाली बातें हैं।